देश में भी कोरोना से कुल संक्रमितों की संख्या 24,000 के पार पहुंच गई है। देश में कोरोना केस का कुल आंकड़ा 24,506 हो गया है, जबकि कोरोना से देश में अब तक 775 लोगों की मौत हो चुकी है। 5,000 से ज्यादा मरीज इलाज के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित महाराष्ट्र है। दिल्ली को पीछे छोड़ते हुए गुजरात दूसरे नंबर पर आ गया है, तो वहीं तीसरे नंबर पर दिल्ली है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए दिल्ली से हमारी संवाददाता प्रीत किरण सिंह फोन लाइन पर मौजूद हैं। जी प्रीत, लगातार देश में कोरोना पॉजिटिवों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है और इसी बीच केंद्र की गाइडलाइन भी आ चुकी है और कुछ छूट भी दी गई है। जी बिल्कुल, कुछ संशोधन के साथ नई गाइडलाइन जारी की गई है एमएए की ओर से। उनकी तरफ से ये कहा गया है कि जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को छोड़कर बाकी सारी दुकानें खुल सकती हैं। अब तक केवल दवाइयों की दुकान और किताबों की दुकान को खोलने के लिए छूट दी गई थी, और साथ में जो शहरी इलाके हैं वहां पर हॉटस्पॉट जोन को छोड़ करके जो कि घरों के पास में है या फिर अकेले अकेले इंडिविजुअल दुकानें हैं उनको खोला जा सकता है, और उन सामान उन दुकानों में ज्यादा भीड़ इकट्ठी ना हो, केवल 50% जो कर्मचारी हैं वो वहां पर मौजूद रह सकते हैं। ऐसी नई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। हॉटस्पॉट जो बनाए गए हैं उन इलाकों में जो दुकानें हैं उनको खोलने के लिए मनाही है, तो ये जो है नए दिशा निर्देश आए हैं केंद्र सरकार की ओर से। जी, लगातार कोरोना पॉजिटिवों की संख्या बढ़ती जा रही है और संभावनाएं जताई जा रही है कि 3 मई के बाद भी लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है। इस संबंध में कहीं कोई हलचल देखने को मिल रही है राजधानी में केंद्र सरकार की तरफ से, मंत्रालयों में कहीं पर? देखिए, यूपी में आज नई गाइडलाइन आई है कि 30 जून तक लोग कहीं पर भी ज्यादा संख्या में एकत्रित नहीं हो सकते। वहीं दिल्ली में हो सकता है कि लॉकडाउन को बढ़ाया जा सके राज्य सरकार की ओर से, क्योंकि दिल्ली में लगातार जो आंकड़ा है पॉजिटिव मरीजों का वो बढ़ता जा रहा है। करीबन 2514 पेशेंट्स हो चुके हैं जो कि कोरोना वायरस से पीड़ित है, और ये जो है ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। तो ऐसे में ये भी हो सकता है कि दिल्ली सरकार की ओर से, अगर केंद्र सरकार की ओर से 3 मई के बाद लॉकडाउन खत्म कर दिया जाए तो उसे बढ़ा दिया जाएगा। वही रमजान के मौके पर भी मस्जिद जो है पूरी तरीके से बंद है, लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, जो कि प्रेयर है वो घर पर रहकर ही कर रहे हैं। जी प्रीत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्रियों से भी बात करने वाले हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फिर से चर्चा करेंगे और उसके बाद माना जा रहा है समीक्षा करने के बाद कोई निर्णय लेंगे। जी बिल्कुल, पिछली बार भी इसी तरीके से समीक्षा करने के बाद निर्णय लिया था, और एक बार फिर से मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे, सभी राज्य अपने अपने राज्यों का फीडबैक देंगे। पिछले दिनों जब बातचीत हुई थी तो उस समय भी कुछ जो है बजट की बात की थी तमाम स्टेट्स की ओर से, और ये भी कहा था कि केंद्र सरकार अगर अपनी तरफ से लॉकडाउन को बढ़ा दे तो वो बेहतर रहेगा। इस बार भी कुछ राज्य अपनी तरफ से ये अपील करेंगे कि केवल स्टेट गवर्नमेंट ही नहीं केंद्र सरकार की ओर से लॉकडाउन को बढ़ाया जाए। हालांकि जीएम की जो मीटिंग है, हेल्थ मिनिस्ट्री की जो मीटिंग है वो रूटीन लेवल पे चल रही है, जो स्टेट में जो हेल्थ सेक्रेटरीज है उनसे चर्चा कर रहे हैं हर्षवर्धन जो कि हेल्थ मिनिस्टर है, और लगातार स्टेप्स लिए जा रहे हैं केंद्र सरकार की ओर से। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी दिल्ली संवाददाता प्रीत किरण सिंह, जिन्होंने लेटेस्ट अपडेट दी देश में किस प्रकार से लगातार कोरोना पॉजिटिवों की संख्या बढ़ रही है और किस प्रकार की हलचल देश भर में देखने को मिल रही है।